Hello students, welcome to RCI online class, class 6, subject mathematics. We are continuing to discuss exercise 4.1. Question number 3. Use the figure 2 name. Figure aapke paas bhi hai, question number 3 ka. Aapko find karna hai line containing point E. E point se kaun si line pass hogi, wo batana hai aapko. Line passing through A. A point से कौन कौन सी लाइन पास हो रही वो बताना है आपको. लाइन ऑन विच ओ लाइज, वो लाइन बतानी है जिसमें ओ पॉइंट कंटेन हो रहा है. नेक्स्ट, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, आपको इंटरसेक्टिंग लाइन्स बतानी है लेकिन टू पेयर्स है. ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई. फिगर ऑलरेडी आपके पास गिवन है, तो आपको फर्स्ट आपको बताना है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई. अब देखिए ई पॉइंट से कौन कौन सी लाइन पास होती है. जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो लाइन होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दोनों साइड एरो लगाकर, मतलब बार के. ठीक है, तो हमें ई पॉइंट से कौन कौन सी लाइन पास होगी वो राइट करना है. तो इसका सोल्यूशन है ए पार्ट का. कौन कौन सी लाइन पास होगी ई पॉइंट से, देखिए ई पॉइंट ये रहा आपके पास एफ ई लाइन पास हो रही, लेकिन दोनों साइड आपको एरो लगाना है बिकॉज इट इज लाइन. और ई पॉइंट से कौन सी लाइन पास होगी, ए ई, ए भी लाइन कर सकते हो, ए ई दोनों साइड एरो लगाना. ठीक है, और भी आप बी ई भी राइट कर सकते हो, डी ई भी राइट कर सकते हो, क्योंकि ये लाइन ई पॉइंट से पास हो. तो टू ही सफिशियंट है हमारे पास आंसर के लिए. अब बी का आंसर करने के लिए देखिए, लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट से कौन कौन सी लाइन पास होगी ये हमें बताओ. तो देखिए पॉइंट ए ये हमारे पास ये वाली थी. अब इस पॉइंट से कौन कौन सी लाइन पास होगी, एक तो ये कंप्लीट ए पास होगी, ए भी राइट कर सकते हो, ए पॉइंट से ए डी भी पास राइट कर सकते हो, ए बी भी राइट कर सकते हो क्योंकि ए पॉइंट से ही पास हो, तो ए डी भी राइट कर सकते हो और ए बी भी राइट कर सकते हो क्योंकि ए पॉइंट से ही पास हो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन सी का, लाइन ऑन विच ओ लाइंस, ओ पॉइंट से कौन सी लाइन पास हो. देखिए सी ओ भी राइट कर सकते हो और बी ओ भी राइट कर सकते हो, दोनों ही राइट कर देंगे सी ओ, लेकिन दोनों साइड हमें क्या लगाना है क्योंकि लाइन है, और बी ओ बी ओ भी राइट कर सकते हो लेकिन दोनों साइड आपको क्या लगाना है, जो ओ पॉइंट आ रहा है वो लाइन हमें बनानी है, तो सी ओ एंड बी. नेक्स्ट, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब देखिए इंटरसेक्टिंग का मीन्स क्या होता है, एक दूसरे को जो क्रॉस करेगा. अब देखिए लाइन क्रॉस का होगी, एक ये लाइन इसको क्रॉस कर रहा है, तो हमें टू पेयर्स इंटरसेक्टिंग लाइंस बताने कौन कौन से हैं. तो डी आंसर डी का क्या होगा, एक तो हमारे पास सी ओ है और ये हो गया ए ए फर्स्ट पेयर ए एंड सी ओ, ये पेयर होंगे फर्स्ट पेयर जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स काट रहे हैं. और नेक्स्ट पेयर कौन सा हो गया, देखिए एफ ई एंड ए ई, ये भी काट रहे हैं दूसरे को, एफ ई एंड ए ई, ये भी दूसरे को काट रहे हैं. तो ये टू पेयर हमारे पास इंटरसेक्टिंग पेयर होंगे. ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चन